डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर विद अ न्यू टॉपिक इन आर SST क्लास, क्लास 8th, चैप्टर 2nd ऑफ जियोग्राफी. टुडे वी विल लर्न अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ यू कैन सी दैट कि हियर यू कैन सी पिक्चर ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो. नेचुरल वेजिटेशन दैट आर इंक्लूडिंग इको सिस्टम एंड वी कैन कॉल दैट कि बायोस्फेयर जो सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या आएंगे आपके, कि बायोस्फेयर में आपके नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ बोथ आर इंक्लूडिंग, बट हियर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर. वी विल डिस्कस हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल लिथोस्फेयर, दैट इज़ अवर लैंड. वी कैन कॉल दैट कि अवर लैंड एरिया इज़ कॉल्ड लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर वाटर सरफेस एरिया that are including, कि हमारा जो water का जितना भी area है that is hydrosphere. Next is atmosphere, air system is including in atmosphere. That these things we are learning in 6th class also. When lithosphere, hydrosphere and atmosphere, these all are including and it these makes biosphere. In biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. जो हमारी living things हैं हमारे biosphere के अंदर, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर depend होते हैं. This life support system is known as ecosystem. So, ecosystem क्या हुआ कि biosphere के अंदर जितने भी living things हैं, living organism हैं, living जो हमारे being हैं, वो क्या करते हैं, living being हमारे क्या करते हैं, interrelated to each other and they are dependent also each other. They can't survive without each other. So, these makes ecosystem. Vegetation and wildlife are valuable resources. There are innumerable uses of plants. Wildlife include animal, birds, insects as well as the aquatic life form. वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ये क्या होते हैं, हमारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमारे बायोस्फेयर में. और जो प्लांट्स हैं वो भी क्या हैं, एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट वैल्यू प्लेस करते हैं. वाइल्ड लाइफ क्या क्या इंक्लूड करता है, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और इसके साथ साथ जो एक्वेटिक लाइफ आपकी, जो आपके वाटर एनिमल्स जो हैं उनको इंक्लूड करता है. और ये जो हमारे वाइल्ड लाइफ से हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल. हाइड्स क्या होते हैं, जो स्किन होती है एनिमल्स की, दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द एनिमल्स. इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ फ्लावर एंड हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले एज डीकम्पोजर्स इन द सिस्टम. कि ये क्या करते हैं, एक तो वो हमें हनी प्रोवाइड करती हैं, सेकेंडरी जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो भी क्या करते हैं कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डीकम्पोजर के रूप में. क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डीकम्पोजर. कैसे है ये, कि जो भी जो बर्ड्स हैं वो फीड करते हैं, फीड कर ऑन इंसेक्ट्स की, जितने भी आपके इंसेक्ट्स हैं उनके उनको कौन खाता है, बर्ड्स खाते हैं. और डीकम्पोज मतलब हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें क्या है, उसको मिक्स करते हैं और डीकम्पोजर का वर्क करते हैं. So animal big or small all are integral to maintaining balance in ecosystem. Animals if their size is big or small but जो उनका work है वो हमारे जो ecosystem है उसमें balance create करके रखता है. और balance भी आपका कैसे रहता है कि I want to tell that कि वहाँ पर क्या होगा कि जो बड़े animals हैं वो आपके क्या है कि small animals को खाएंगे, small insects को खाएंगे. insects किसको खाते हैं, जैसे grass वगैरह खाते हैं. so इससे क्या होता है कि जो इनकी chain है, जो हमारी food chain है वो बनी रहती है. ecosystem क्या रहता है, valuable बना रहता है. next is distribution of natural vegetation. here natural vegetation here two types we can say that कि evergreen and deciduous. deciduous and evergreen. in evergreen when their plants are not fall at one time, कि trees क्या होते हैं, एक time पर ही सारे अपने plants के जो होते हैं वो अपने leaves नहीं गिराते हैं. they are वी कॉल दैम एवरग्रीन. और ये होते भी कहाँ, जब मैक्सिमम रेन फॉल होता है वहाँ पर जो आपके एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वो होते हैं. नेक्स्ट आते हैं डेसीडियस. ये क्या होते हैं कि वन टाइम में ही एक साथ ही ये क्या करते हैं, अपने जो लीव हैं वो
फॉल करते हैं तो ये क्या करेंगे, और ड्राई अप एरिया में भी ये होते हैं, सो दीज आर डेसीडियस। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि हमें नीड क्यों पड़ी कंजर्वेशन की। देर इज़ सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू अवर वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ बिकॉज वी नो दैट टाइगर लॉयन दे आर एंडेंजर्ड इन आवर कंट्री इन वर्ल्ड ऑल वर्ल्ड इफ़ वी आर सेइंग दैट कि जो वाइल्ड लाइफ हमारी वो क्या है ख़त्म होती जा रही है। बट रीज़न क्या है बिहाइंड इट कि एक तो फॉरेस्ट के अंदर क्या है कि जो फायर अब होता है, जो कैलिफोर्निया का एग्जाम्पल यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो, बट लेटेस्ट एग्जाम्पल इफ़ यू विल सी दैट कि अमेजन के जो फॉरेस्ट थे वहाँ पर कितने सालों से कंटिन्यूसली जो फायरिंग थी वो क्या था, वो वाइल्ड और जो नेचुरल वेजिटेशन है हमारा उसको क्या है उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट की है। उससे क्या हुआ कि थाउजेंड्स जो आपके एनिमल्स थे वाइल्ड एनिमल थे उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई ड्यू टू फायर। दे हैव लेफ्ट देयर प्लेसेस ड्यू टू मच मोर इंक्रीजिंग फायर। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स क्रिएटिंग बिहाइंड द प्रॉब्लम ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये इसके पीछे रीज़न क्या है कि हमारा जो इंडस्ट्रीज एरिया इंक्रीज होता जा रहा है, सेकेंडरी आपकी क्या है टेक्नोलॉजीज इंक्रीज हो रही हैं, बट देर इज़ जब बिल्डिंग मेकिंग आती हैं इंडस्ट्रीज आप फॉरेस्ट में क्रिएट करते हो, बट प्रॉब्लम्स किसके लिए क्रिएट होती है, जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन है वाइल्ड लाइफ है दे आर इन अ प्रॉब्लम ड्यू टू अवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइज सिस्टम। सो देर इज़ नीड टू कंजर्व द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो Changes of climate and human interference can cause the loss of natural habitat for the plant and animals। कि जितना भी हमारा ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है, क्लाइमेट चेंजेस होता है ड्यू टू जो आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लॉसिंग देयर लाइफ, दे आर लूजिंग देयर लाइफ ड्यू टू our climate and human interference because people are going in forest and create their industries there, but it's create problem for the plants and animals. Many species have become vulnerable and endangered and some are on verge of extinction. Mean क्या है कि कुछ ऐसी जो species हैं हमारी वो species क्या हो गई हैं endangered में आ गई हैं, और कुछ क्या है कि extinction हो चुकी हैं, उनका हमें पता ही नहीं है कि वो हैं कि नहीं हैं। Deforestation increase हो गया है due to ह्यूमन इंटरफेरेंस, सोयल एरोजन है वो इंक्रीज़ हो गया है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, फॉरेस्ट फायर्स आर इंक्रीजिंग, सुनामी लैंडस्लाइड्स ह्यूमन मेड एंड नेचुरल फैक्टर्स विच टुगेदर एक्सलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज ग्रेट नेचुरल रिसोर्सेज। सो दीज थिंग्स आर वेरी प्ले इम्पॉर्टेंट रोल प्ले इन द डिक्रीजिंग ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। द एनिमल आर पोस्ट फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड स्किन नेल्स टीथ हॉर्न एज वेल एज फीदर्स। जो एनिमल्स हैं उनको क्या है ज़बरदस्ती उनको मारा जाता है कलेक्शन करने के लिए, इलीगल उनका ट्रेड किया जाता है, उनके हाइड्स का स्किन है नेल्स हैं टीथ है हॉर्न है। सो इन चीज़ों के लिए क्या है कि वी आर किलिंग द वाइल्ड एनिमल। सो इससे क्या होता है कि हम उन चीज़ों को क्या है प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, बट पीपल आर गिविंग देम वेरी डेंजरस हार्मफुल थिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग टू वाइल्ड एनिमल्स फॉर आवर बेनिफिट ओनली। क्योंकि हम क्या करते हैं ह्यूमन बींग्स अपने बेनिफिट के लिए हम क्या करते हैं एनिमल्स को मार रहे हैं उनके अपने ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए। सो देर इज़ नीड टू सेव दीज थिंग्स। हमें क्या करना चाहिए मैक्सिमम जो फायरिंग है, जैसे कि आप इस पेज पे देख सकते हो कि फॉरेस्ट फायर का आई वॉन्ट टू गिव यू एग्जाम्पल ऑफ एज कैलिफोर्निया फायर सीरीज फॉर फोर्थ डे होप्स रेस्ट ऑन विंड ईजिंग। यू कैन सी दिस पेज इन योर बुक ऑल्सो, बट कंजर्वेशन हमें क्या करना चाहिए, वी शुड इंक्रीज मैक्सिमम ट्रीज एंड डूइंग प्लांटेशन डे बाई डे। सो देर इज इंडस्ट्रियल एरिया शुड नॉट बी प्रोवाइडेड इन द फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स शुड बी शेयर्ड बाई अस, और जो रूल्स रेगुलेशंस इफ अवर लॉ वॉन्ट टू मेक एनी स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन देन वी कैन सेव अवर वाइल्ड लाइफ एंड अवर फॉरेस्ट लाइफ ऑल्सो। कि जो हमारे नेचुरल वेजिटेशंस हैं उनके लिए क्या है कि ऐसे रूल रेगुलेशंस क्रिएट कर देने चाहिए जिससे लोग क्या कर सकें डायरेक्टली फॉरेस्ट को अफेक्ट ना कर पाएँ।
So student, this was the natural vegetation and wildlife conservation system and their distribution also. So our chapter has completed. Thank you. Have a nice day.